सीआरपीएफ के जवान यशवंत कुमार टंडन का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो क्षेत्र क्रमांक 10 के प्रत्याशी रहे रामेश्वरी राजेंद्र रंगीला की चुनावी रैली में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं और सीआरपीएफ की वर्दी में नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सीआरपीएफ का जवान नामांकन रैली में भी उनके साथ शामिल था। वीडियो सामने आने के बाद पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष पुष्पा पेंटू कुर्रे ने राज्य निर्वाचन आयुक्त में जवान यशवंत टंडन के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। मेरे विरुद्ध श्रीमती रामेश्वरी राजेंद्र रंगला भी चुनाव लड़ रहे थे। हमारे गांव के यशवंत टंडन, जो कि सीआरपीएफ में जवान है, वो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रचार प्रसार कर रहा था और साथ ही वो मेरे चुनाव के जीतने के बाद भी चमकी धमकी लगा रहे हैं चौक चौराहे में आकर, और मेरे और मेरे परिवार को देख लूंगा बोलकर धमकी दे रहे हैं। इसकी शिकायत मैं रायपुर में आईजी के सामने। मेरे गांव में कनिवासी यशवंत कुमार टंडन, जो कि सीआरपीएफ में पदस्थ है, वो गांव में अननेसेसरी आके माहौल खराब कर रहे हैं। मेरे तकलीफ चुनाव जीतने के बाद वो आके मेरे परिवार को धमकी धमकी दे रहे हैं, मेरे परिवार को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। वो आईजी कार्यालय 117 नया रायपुर में संलग्न है। सारंगढ़ के जो